بسم الله الرحمن الرحيم. I am Sofyan from the readers. Physics 9. आज का लेक्चर है हमारा कपल. इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले. A couple is formed by two unlike parallel forces. Unlike parallel forces वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती. A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude. ऐसी अनलाइक फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन उनकी लाइन जो है वो सेम नहीं होती. थोड़ी इसकी वजाहत करते हैं, नीचे डायग्राम भी देंगे, इसे वजाहत करेंगे. ए डबल आर्म स्पैनर इज यूज टू ओपन अ नट. नट खोलना होता है उसके लिए हम डबल एक आर्म स्पैनर यूज करते हैं. नीचे आपको डायग्राम में एक स्पैनर नजर आ रहा है. इक्वल फोर्सेज ऑफ ईच मैग्नीट्यूड एफ are applied on ends A and B of a spanner in opposite direction as shown in figure. ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये एक स्पैनर नज़र आ रहा है, एक तरफ बी फोर्स लग रही है, बी की तरफ एफ फोर्स लग रही है, जबकि ए जो है इधर भी एफ फोर्स लग रही है. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्स जो है दोनों तरफ उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. इधर भी अगर एफ है इधर भी एफ लगेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. देखें इधर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इधर नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है. इससे क्या होगा, बॉडी घूमना शुरू हो जाएगी, स्पैनर घूमना शुरू हो जाएगा. अब दो फोर्सेस लग रही हैं दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है. दिस फोर्सेस फॉर्म अ कपल. ये फोर्सेस कपल बनाती हैं. याद रखिएगा कपल में दो टॉर्क होते हैं. दैट टर्न द स्पैनर अबाउट पॉइंट ओ. अब ये जो स्पैनर है किसके गिर्द घूमेगा, इसका जो सेंट्रल पॉइंट ओ है ना यहाँ पे, इसके गिर्द ये स्पैनर घूमना शुरू कर देगा. द टॉर्क्स प्रोड्यूस बाई बोथ द फोर्सेज ऑफ अ कपल हैव द सेम डायरेक्शन. अब ये दो टॉर्क पैदा हुए हैं, एक टॉर्क ये जो बी वाली फोर्स है इधर लग रही है इसने पैदा किया, एक ए की तरफ फोर्स लग रही है इसने. अब ये जो बॉडी है यार क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इसकी डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है जी. दस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल विल बी. अब जो टोटल टार्क पैदा हुआ है जो कपल ने पैदा किया वो किसके बराबर होगा. अब टार्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. याद रखिएगा ये जो फोर्स लग रही है बी की तरफ, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, एफ से लेके ये ओ तक, यानी कि बी से लेके ओ इसका सेंटर पॉइंट, ये बी से लेके ओ तक ये इसका किसी कप इसकी जो है वो मोमेंट आर्म है. जबकि जो ये जो दूसरी तरफ एक तरफ फोर्स लग रही है एफ से लेके ये ओ, ये इसकी मोमेंट आर्म है, क्योंकि दो कपल बन रहे हैं लिहाजा दो ही मोमेंट आर्म होगी. तो पहली जो फोर्स लग रही है ए की तरफ लग रही है वो फोर्स एफ है, और उसकी मूवमेंट आर्म क्या है ओ ए, जो कि यहाँ से लेके ये मिड पॉइंट तक होगी. इस तरह प्लस दूसरा जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी, एफ से लेके इसकी मूवमेंट आर्म क्या है ओ बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद क्योंकि दोनों में फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है लिहाजा दोनों में एफ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ओ ए प्लस ओ बी. तो ओ ए ओ बी, अगर ओ ए और ओ बी को ऐड किया जाए ना तो किसके बराबर निकलेगा ए बी. तो ये हमारे पास एक टॉर्क ऑफ द कपल है. अब ये जो फार्मूला हमारे पास निकला है एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी, ये क्या है बेसिकली, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि एफ मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक फोर्स है, दोनों में से एक फोर्स है, एक फोर्स ए की तरफ लग रही है एक बी की तरफ लग रही है, इनमें से कोई एक फोर्स ले लें मल्टीप्लाई बाय इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ए बी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना हमारे पास क्या निकलता है, टॉर्क ऑफ द कपल. तो इक्वेशन जो गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ फोर्स एफ सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी, एफ दोनों फोर्सेज के दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया है वो ए बी है. द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज, दोनों में से एक फोर्स ली जाएगी वो मल्टीप्लाई किसे किया जाएगा, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दम. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं. तो एफ और ए बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसे हमें कपल हासिल हो जाएगा. स्टूडेंट आपने ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है.